आजादी के 70 साल बीतने के बाद भी मजो गांव के लोग सड़क सुविधा से महरूम थे और उन्हें हमेशा दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। अगर कोई बीमार हो जाता तो उन्हें पालकी में 3 से 4 किलोमीटर ले जाना पड़ता था। इस गांव को सड़क न होने के कारण इसे काले टीपू की संज्ञा और वृंदावन एरिया भी कहा जाता था। आज तक किसी भी राजनेता या पार्टी ने इनकी आवाज नहीं सुनी। लोगों ने कई बार यहां के विधायक को बताया लेकिन आज तक परिणाम जीरो रहा। कोई भी यहां सड़क नहीं बनवा पाया। लेकिन अब ग्रामीणों के सब्र का बांध टूट गया और मुंझो गांव के लोगों ने ऐसी ही हिम्मत जुटाई। ग्रामीणों ने अपने बलबूते पर गांव तक 2 किलोमीटर वाहन योग्य कच्ची सड़क बनाकर संदेश दिया है कि वह स्वयं भी सड़क बना सकते हैं। उपमंडल मुख्यालय भोरन से महज 4 किलोमीटर की दूरी पर बसे धीरड़ पंचायत के मुझो गांव के लोगों ने अपनी भाग्य रेखा स्वयं बनाई है। 2 किलोमीटर मार्ग स्वयं ही बना डाला। ग्रामीणों ने 1.5 लाख के करीब धन एकत्रित कर जेबीसी लगवाकर स्वयं सड़क का निर्माण कार्य करवा दिया। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने सत्तासीन होने वाली हर सरकार के समक्ष सड़क निर्माण की मांग रखी लेकिन किसी ने उनकी सुनवाई नहीं की। जवाब यही मिला कि पहले जमीन की गिफ्ट डीड करवाओ, उसके उपरांत निर्माण कार्य आरंभ किया जाएगा। लोगों की अपनी जमीन न होने के कारण मार्ग निर्माण का कार्य हर बार ठंडे बस्ते में चला जाता, जिसको देखते हुए ग्रामीणों ने जेवीसी मशीन से करीब 2 किलोमीटर वाहन योग्य सड़क बना दी और इसे डाडू सड़क मार्ग से जोड़ दिया। इसके बाद गांव को दोनों तरफ से गाड़ी पहुंच पाएगी। मुझो गांव के पूर्व प्रधान शशिकांत तिलक राज शर्मा, केशव शर्मा, प्यारचंद सुरेश नेगी, वतन चंद, पवन कुमार, धर्म सिंह, प्रदीप कुमार हेमराज इत्यादि लोगों ने सहयोग किया। लोगों ने बताया कि गांव तक सड़क नहीं होने के कारण लोगों को दिक्कत हो रही थी। कई बार सरकार से गुहार लगाई गई परंतु कुछ भी नहीं हुआ। ग्रामीणों ने बैठक कर स्वयं सड़क बनाने का निर्णय लिया। इसके लिए पहले श्रमदान किया गया, फिर जेबीसी लगाने की जरूरत महसूस हुई। इसके लिए ग्रामीणों ने प्रति परिवार 1,000 से 2,000 रुपए एकत्रित किए और सड़क का कार्य शुरू कर दिया। बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं और हमें देख करके बहुत अच्छा लग रहा है। और 1947 से लेकर के 2018 में हमारे चलने के लिए कोई भी रास्ता नहीं था। आज इस चीज़ को देखते हैं तो हमारा गांव जो है वो बड़ा अच्छा देख करके सारे बड़े महसूस कर रहे हैं और सारे अपनी अपने आने जाने की सुविधा सोच रहे हैं। तो इस गांव को पहले काले टापू की संज्ञा भी दी जाती है कि ये गांव जो है सड़क सुविधा से बहुत दूर है। इस गांव को जंगल का इलाका कहते थे, कोई भी यहाँ आना नहीं चाहता था। आज हर एक आदमी इसको देखने के लिए सब आते हैं, हर एक गांव के आते हैं कि ये इलाका जो है अब आज़ादी के बाद डेवलप होने जा रहा है। सरकारें आती रही जाती रही, हम उनके आगे गिड़गड़ाते रहे लेकिन उन्होंने कभी भी हमारी इस प्रपोजल को आगे नहीं बढ़ाया है। आज 2018 में जब हमने देखा कि हम किस उसमें पहुंचे हैं तो बड़ा अच्छा महसूस हुआ है। हमारे मन में इस सड़क के लिए और इस निर्माण के लिए जो विचार आया उसके लिए हम ही सभी लोगों ने मलतिया सभी लोगों का सहयोग मिला और धीरे से लेके मुझाव तक जितना भी बाया स्कूल होकर मलतिया ये रास्ता का इस सड़क का निर्माण हुआ वो सभी लोगों के सहयोग से हुआ, गांव वालों के सहयोग से हुआ। और दूसरी बात रही पैसे की, पैसा जो है जैसे जैसे पैसा खर्च होता गया तो सभी लोग हजार हजार करके मलतिया हमारे को कम से कम 1,20,000 रुपया इकट्ठा हुआ और उसके उसी पैसे से हमें रोड का निर्माण करवाया। ना कि हमें किसी सरकार का, ना ही किसी पिछली सरकार का, ना ही नई सरकार का किसी का भी कोई योगदान ना सहयोग रहा। इसलिए हम लोग तो आज बहुत खुश हैं कि हमने अपने लिए, अपने गाँव के लिए, अपने गाँव के लिए, दूसरे रिश्तेदार आते हैं वो भी खुश होते हैं कि देखो जिस गाँव के लिए भी सड़क बनी। हमें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है इस सड़क को बनाने के लिए। धीरड़ वालों ने भी हमारा बहुत सहयोग दिया है। धीरड़ वाले जो हमारे गांव है और हमारे जो गांववासी हैं उन्होंने भी बहुत सा सहयोग दिया। उन्होंने अपनी जमीनें दी और तब इस रोड को दूसरे रोड से लिंक करवाया है और इसलिए हम सभी गांववासियों को और धीरड़ वालों का जो है इसके लिए धन्यवाद करते हैं। पर हमें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता था इसके लिए कि हमें खुद 2-4 बंदे बुला के उन्हें उठा के ले जाना पड़ता था। जैसे कोई किसी महिला का ऑपरेशन होता था या कुछ भी, हमें कोई भी बीमारी आ जाती थी तो हमें बहुत मुश्किल आती थी उसके लिए। जैसे हमारे बच्चे बीमार हो जाते थे, रात को हो जाते, तो हमें उठा के ले जाना पड़ता था।
सर हमने बहुत बताया पर किसी ने भी हमारी सुनवाई नहीं की।